ओके तो हम लोग ये कर रहे हैं ना स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो इसमें हमने देखा था मार्कोव चेन क्या होता है और क्लासिफिकेशन में, वही लास्ट क्लास में कुछ वही देख रहे थे, क्लासिफिकेशन ट्रांजिएंट और ये रेकरेंट। और अभी देखना है लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ एन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो तो पहले अच्छा एक ऑब्जर्विंग स्टेट का डेफिनेशन क्या हो, मतलब डेफिनेशन जो रह गया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स में डेफिनेशन ऑफ दिस एब्जॉर्बिंग स्टेट, बताओ इसको कैसे डिफाइन करते हैं एब्जॉर्बिंग स्टेट को। PIIN इज इक्वल टू वन। अच्छा हाँ, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, मेरे नाम से क्लियर है? तो सिंपल एक ऐसा स्टेट है, अगर तुम यू आर रिटर्निंग टू दैट स्टेट यू कैन नॉट लीव दैट स्टेट नाउ, है ना, वैसा है ना। सो अ स्टेट, क्या अपनी लैंग्वेज लिख दूं या क्या लिखोगे? एक डेफिनेशन ये है, सो अ स्टेट इन अ मार्कोव चेन Which is impossible to leave, और क्या लिखूं? बोलो वंस एंटर्ड, अगर आप उस स्टेट पे पहुंच गए देन देयर आर नो पाथ्स टू हाँ, लीव। देयर इज नो वे टू लीव या देयर इज नो पाथ टू लीव, हाँ ऐसा लिख सकते हो, देयर इज नो पाथ टू लीव, इट कैन नॉट बी लेफ्ट, है ना। वंस एंटर्ड, एंटर की स्पेलिंग क्या होगा? There is no path to leave, है ना? या cannot be left, वही ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एग्जाम्पल देखो, जैसा ना कल, जैसे मान लो यहां पे है 1, 2 और 3, जैसे यहां पे आए और ये इसी पे लूप मान लो हो गया, है ना। सो या तो ये रुक या इस पे लूप लगा लो ऐसा। सो 2 से 2 पे रह गए और यहाँ प्रोबेबिलिटी कुछ ले लो,
जाने का, या यहाँ से मान लो आने का प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से। सो जैसे अगर इसका मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाऊँ, है ना, सो क्या होगा कि लाइक 1 2 3 1 2 3, तो जैसे 1 से 2 ले लो या 1 से, है ना, सो 1 से 1 बना सकते हो या छोड़ भी सकते हो, है ना। सो 1 से 3 हाफ एंड 1 से 2 हाफ मान लो यहाँ 0 है, और उसके बाद क्या होगा 2 से just 2 पे जा रहे हैं ना, यही है, और 3 से ज्यादा मान लो 1 पे जा रहा हूं, 3 से 1 पे जाने का, जैसे ये 1 हो गया 0 0 ऐसा बोल दो। तो इसमें क्या है ना, वो सिंपली ये होता है ना कि जिसके डायगोनल पे 1 आ जाए वो एब्जॉर्बिंग स्टेट हो जाता है। अगर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स देखे तो उसमें डायगोनल पे अगर 1 आ गया तो मतलब वो स्टेट एक्चुअली एब्जॉर्बिंग स्टेट होगा। अगर ऐसा हुआ तो जैसे यहाँ 1 है तो ये तो एब्जॉर्बिंग हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है 2 जो है ये एब्जॉर्बिंग स्टेट है। यहाँ पे क्या होगा सर, सेंटर एलिमेंट 1 हो जाए तो? नहीं, सेंटर नहीं, कहीं भी हो सकता, दूसरा अगर बना ले यहाँ पे, मतलब ये तो हमने 2 को लिया, अगर 1 को भी एब्जॉर्बिंग बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 है मान लीजिए ऐसा है, सो ये 1 से 1 जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है, 3 से 3 जा रहा है, मान लीजिए इसका मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स बनाऊं तो यहाँ क्या हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें देखिए क्या बोल सकते हैं, तो सारे स्टेट ऑब्जर्विंग हो गए यहाँ तो, है ना, या अगर आपको कम करना है तो किसी को कनेक्ट कर दो इस तरह से, है ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे, जैसे आप कह रहे हो सेंटर जरूरी नहीं है, तो मैं 2 3 को कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे 2 से मान लो, अब इसको अगर मैं ठीक से लिखूं, सो 0 1/2 1/2, और यहाँ हो गया, तो अभी क्या होगा, और 3 से 2 चाहो तो ज्वाइन कर दो, या यहाँ भी छोड़ सकते हो ना, अभी अगर मैं ऐसा लिख दूं 0 0 1 चेक करो, तो अब कौन सा एब्जॉर्बिंग स्टेट है, यहाँ पे जस्ट 2 से 3 जा सकते हैं आप, और 3 से just 3 जा रहे हैं, है ना, तो जस्ट, हाँ, जस्ट 1 in 3 एब्जॉर्बिंग स्टेट, तो 1 और 3 पे एक बार आ गए तो यू कैन नॉट लीव, सो ठीक है ना। तो इसमें जो है स्टेट 2 जो होगा इज एब्जॉर्बिंग स्टेट। तुम सोचो, तुम खुद ही बताओ देख के। तुम खुद ही यहाँ देख लो ना कि डेफिनेशन F11 क्या आएगा, तुम्हें क्या लगता है, जैसे इसमें F2, इसमें F22 क्या आएगी, 1 ही होगा ना, तो ऑब्वियसली है ना ये रेकरेंट होगा, स्टेट 1 and 3 आर एब्जॉर्बिंग स्टेट। वो जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक बार थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन भी एक दो कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इसके बाद PYQ गेट का डिस्कस करेंगे, जो भी है ना पिछले 4-5 साल में जो आए हैं तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट आता है ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या डेफिनेशन है। So what is definition of a stationary distribution? Pi equal to pi. Pi क्या है यहाँ पे? Pi is a set of factors. कौन सा वेक्टर? Non-zero vector. Non-zero vector. किसका वेक्टर है ये pi? Pi equal to b1, b2, b3, bn. B कहाँ से आ गया? प्रोबेबिलिटी है ना वो? हाँ, प्रोबेबिलिटी है। हमें सर पाई इक्वल टू
तो पाई आई, तो पूछ रहा हूँ पाई आई क्या है। जैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे एक वेक्टर होगा पाई हमारे पास, सो ये पाई वन पाई टू पाई थ्री, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना तो वेक्टर लिखो, मैट्रिक्स में लिखना मैट्रिक्स लिख लो। सो पाई टू पाई थ्री एंड सो ऑन। मान लो तुम्हारे पास, अब डिपेंड करता है कितने स्टेट है उसके हिसाब से। तो अगर मैं अभी मान लो कि ऐसा अज्यूम कर लो कि कितने स्टेट कुछ फिक्स कर लो, वन टू थ्री अप टू क्या ले लू मैं, एम नंबर ऑफ स्टेट मान लो एम है सपोज। सो ये हो गया। अब तो ये पाई है, और पाई वन को कैसे डिफाइन, पाई वन का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ पाई i ग्रेटर देन 0। किसकी प्रोबेबिलिटी, स्टेट वन की। हाँ तो यहाँ पे क्या पाई वन जो है स्टेट वन पे होने की प्रोबेबिलिटी। स्ट्रेस नडी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है कि लाइक हाँ मतलब वो हर बार सेम रहेगा, ओवर टाइम प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। तो हाँ कहीं ना कहीं इसका डेफिनेशन हालांकि ऐसे लिखा जाता है, अगर जैसे एग्जाम में बात करता है स्ट्रेस नडी डिस्ट्रीब्यूशन का तो सिंपल इसका डेफिनेशन क्या कैसे लिखते हैं हम लोग, डेफिनेशन को बताओ कैसे डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग। हाँ तो ये तो हो गया लैंग्वेज में, मैथमेटिकली पाई p इक्वल टू पाई। सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन p क्या है, मान लो ये है ना, सो लेट p बी द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, हमने पहले लिखा है। सो लेट p जो है आपके पास p बी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, सो द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन पाई, पाई क्या है, पाई यही पे तुम्हारा पाई वन पाई टू या पाई नोट से भी स्टार्ट कर सकते थे। सो पाई वन पाई टू डॉट डॉट, मान लो अभी मैं एम नंबर ऑफ स्टेट फिक्स कर दिया हूं तो उसके हिसाब से दिस ऑफ इक्वेशन पाई इज इक्वल टू पाई टाइम्स पी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा इस टोटल प्रॉपर्टी इसकी कितनी होगी, समेशन पाई आई तो वन होगी है ना, दिस और ये साथ में ये समेशन पाई आई तो वन ही रहेगा, तो ये तो आई फ्रॉम वन टू एम ये वन रहेगा आपका ऑब्वियसली। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी कॉल्ड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सो दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको हमेशा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है साथ में इस कंडीशन के साथ। सो इससे जो भी सॉल्यूशन निकल के आएगा वो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे पहले एग्जांपल करके देखो फिर इसको डिस्कस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिख के देखो, मान लो अगर लिखता हूं मैं कि एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, मान लो पी आपके पास है लेट से 1/3 2/3 1/4 3/4, ये है यहाँ स्टेट आपके पास है 1,2 है ना, ये 1,2 1,2 इस तरीके से। तो आपसे पूछे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मार्कोव चेन क्या होगा, सो इट इज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ मार्कोव चेन
विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी इज। सो क्या लिखेंगे यहाँ, पाइज होगा, ऐसा होगा पाई वन पाई टू। सो यही आपको पाई वन पाई टू फाइंड करना है। तो वैल्यू निकालिए जरा उस इक्वेशन से क्या आएगी। सो यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस इक्वेशन को सॉल्व करो एक बारी, इसके लिए सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। जी इसका डेफिनेशन लिख लो और इस डेफिनेशन को अप्लाई करो इस पे। हाँ अब क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो। अच्छा तो मतलब ये pi 1 की वैल्यू कितनी आई, 2/3। 2/3 pi 1 equal to 1/4 pi। pi 1 pi 2 की वैल्यू कितनी आई सर? pi 1 8/16 pi 2 है सर। चलो नहीं एग्जैक्ट बताओ क्या आएगा। अच्छा हां एक सेकंड। इनफैक्ट ना एक जनरल थ्योरम है, तो अगर मान लो आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है 1 माइनस ए कॉमा ए एंड बी कॉमा 1 माइनस बी, देन ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। सो दिस बी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ अ मार्कोव चेन, देन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंटली, आपको याद रहेगा तो इजीली डायरेक्टली, तो इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है वो भी यूज कर सकते हैं। आपने फाइंड किया होगा इक्वेशन से, ऐसे भी आ जाएगा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू, याद है किसी को? हाँ बी बाई ए प्लस बी, ए बाई ए प्लस बी, तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं इसको, आप प्रूफ भी करेंगे तो वही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो b by a plus b, so उस तरह से b यहाँ 1 by 4 है और उसे compare कर लो a by this, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। अगर हम solve भी करेंगे तब भी वही आएगा, यहाँ भी आप pi p is equal to ना pi करोगे same ही आएगा। solve करके दिखाऊँ? okay okay
तेरे को सॉल्व करके देख लेते हैं ना, ताकि वेरीफाई हो जाए। ये सॉल्यूशन ऐसे ठीक होगा कि पाई 1 अगर 8 बटे 11 आ जाए और पाई 2 3 बटे 11। नहीं नहीं, यहां पे एक्चुअली ये पीएमएफ है। ये पाई क्या है? पीएमएफ है उस किसका, एक्सटी का। एक्सटी क्या है? स्टोकेस्टिक प्रोसेस। जो पाई है दिस इज द पीएमएफ ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। जैसे यहां पे स्टेट स्पेस क्या है आपका, मान लो यहां पे है ना स्टेट स्पेस, यहां तो हमारा 1 2 है, तो तुम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना? अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये स्टेट स्पेस के करस्पोंडिंग ये पीएमएफ है। तो यहां पे स्टेट स्पेस है ना, तो ये कह रहे कि पीएमएफ को लिख दे, ठीक है ना? तो ये पीएमएफ है उस एक्सटी का। तो एक्सटी बराबर 1 ओवर लॉन्ग रन दिस इज द प्रोबेबिलिटी, xt is equal to 2 over long run this is this, so वैसा है। so ये ठीक है ना, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि probability xt is equal to है ना, तो ऐसा लिख सकते हो 1 होने की probability ये है, और यही हम लिख रहे थे ना pi 1 pi, तो इसी को लिख रहे थे pi 1 pi 2। तो pi 1 है probability of being on a state, being in a state 1, and pi 2 है probability of being in a state 2। अच्छा जैसे इसको अगर सॉल्यूशन करके दिखाओ, तो मैं इसको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं ना, तो यहां इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए तो उसको मैं सॉल्व कर देता हूं, एक बार ट्राई कर लेते हैं कि सॉल्यूशन दिख जाएगा कैसे हो रहा है। तो हमारे पास p जो है ये लिखा था 1/3 2/3 1/4 2/4, तो ip is equal to pi। तो पाई आपके पास यहाँ स्टेट स्पेस क्या है, तो यहाँ स्टेट स्पेस है जस्ट 1 2, मतलब यू हैव जस्ट 2 स्टेट, ठीक है? तो उस केस में पाई जो आपका होगा ये पाई 1 कॉमा पाई 2 होगा, ठीक है ना? तो पाई 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टी बीइंग एट 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 2 ना, तो पाई 1 अगर आप लिखोगे, सो दिस पाई 1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टी जो रैंडम वेरिएबल है बीइंग एट 1 एंड पाई 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टी या एक्स एन आप लिखना चाहो, xn being at 2, ठीक है ना? इस तरीके से, so ये probability है। तो इसको solve करो, तो यहाँ पे क्या आपके पास pi 1, pi 2 एक ये है, और आपके पास यहाँ है 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, and this is equal to pi 1, pi 2। तो मतलब इस तरीके से। अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसको प्रोडक्ट करना है, इसको इक्वल कर देना है, देखिए। सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो पाई 1/3 प्लस पाई 2/4, ये पहला एलिमेंट आ गया, एंड दूसरा एलिमेंट आया 2π1/3 प्लस, अच्छा यहां में 3/4 हुआ ना, ये 1/4, 3/4, ठीक है? So 2π1/3 and 3π2/4, and ये जो है equal है π1 π2 के। इसको equate कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आएगी? Two equations आ जाएंगे, check कीजिए। So यहाँ से आपका पास आएगा π1/3 plus π2/4 is equal to π1. And दूसरी इक्वेशन आई 2π1/3 प्लस 3π2/4 बराबर पाई 2। इसको एक एक साइड ले आओ, तो एक साइड पाई 1 को ले आओगे तो या तो उसको उधर ले जाओ, तो पाई 2/4 इज इक्वल टू, कहां पे अच्छा यहां पे ये गलत लिख दिया, 2π1/3 3π2/4 3π2/4 बराबर पाई 2। हां ठीक है, थैंक यू। तो इसको फर्स्ट को सिंपलीफाई कर रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, और ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट को सिंपलीफाई कर रहा हूं, तो पाई 2/4 ये आ जाएगा 2π1/3, ये फर्स्ट इक्वेशन आई। सेकंड को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से इसको इधर भेज दो, तो यही सेम ही आ जाएगा, सो पाई 2/4 इज इक्वल टू 2π1/3, ये दोनों सेम आ गए। तो क्या करना है, तो हमने कहा कि वो पीएमएफ है, जो पाई वेक्टर है या पाई जो मैट्रिक्स है वो पाई 1 पाई 2 वो पीएमएफ है, उसका सम हमेशा 1 होगा, ठीक है ना? तो यहां साथ में ये दोनों सेम इक्वेशन आ गई ना, हाउ टू सॉल्व। तो अगला कंडीशन आपको लेना है कि पाई 1 प्लस पाई 2 इज इक्वल टू 1, सो इसको यूज करो। सो अब आपके पास ये दोनों कॉमन इक्वेशन है ना, तो वो सेम ही है, एक ही बना, और ये अभी मान लो तीसरा इक्वेशन बोल दो, तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो, हो जाएगा,
देखो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो पाई वन प्लस यहीं से आप निकाल लो पाई टू की वैल्यू चाहो तो निकाल लो। तो पाई टू अगर फाइंड करोगे पाई वन प्लस पाई टू की जगह रख दोगे आप 8 पाई वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पाई टू की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन को यहाँ यूज कर लिया मैंने, तो यूज कर लिया तो यहाँ से आ गया 11 टाइम पाई वन बाई थ्री बराबर वन। ठीक, तो यहाँ से पाई वन की वैल्यू आ गई 3/11, और पाई वन 3/11 तो पाई टू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 -3/11 8/11। तो ये मतलब हमने कैलकुलेट कर दिया, बट इसकी है ना जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 x 2 में डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा, यहां से डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं पाई वन पाई टू। सो ये यूज कर सकते हैं सीधा आप इस फॉर्म में लिख लो, जो अगर स्टेट स्पेस में जस्ट टू एलिमेंट है तो मतलब टू स्टेट्स हैं, तो आप सिंपली इस फॉर्म में लिख लो 1 -a b - b। तो इसकी जो अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे पाई पी बराबर पाई करके सिंपलीफाई करेंगे जैसे इसका किया, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये आ जाएगा b अपॉन ए प्लस बी ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट आता है मतलब देखते हैं क्वेश्चन अभी कैसा है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे आगे। अभी नेक्स्ट क्या है आगे, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। जैसे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मतलब 3 x 3 का होगा तो भी ऐसे ही होगा पाई पी बराबर पाई, वहां से भी इक्वेशन बन के आएंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा सेम तरीके से। अभी क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कैसे करना है। सो व्हाट इज लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी सर? लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी क्या सिलेबस में क्या लिखा था? देखो लिखा था ना इसमें क्या लिखा था कि लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ एन स्टेप टीपीएम। ठीक है, एन स्टेप टीपीएम तो लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ, अभी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया मैंने, लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ एन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। सो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी मतलब पता है क्या पूछना चाह रहा है कि अगर पी कोई लेट पी बी वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, देन आपसे पूछना चाह रहा है कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी पी की पावर एन क्या आएगी। एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है, लेकिन उसमें भी ये निकाल लेंगे हम लोग क्या आएगी। या मेनली इसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगा, देखो तो यहाँ पे एक्चुअली मेन ये है, लेकिन आपको क्या करना बाद में क्या होगा कि वो सारी वैल्यूज इक्वल है, तो मेनली मुझे क्या करना होता है तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना, आपको क्या करना है। सो मान लो अगर मैं लिखूं इसको इस तरह से कि मैं क्या लिखूं, मुझे लिमिटिंग प्रॉपर्टी डिफाइन करना है ना। मेनली क्या है देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास PIJ n है ना, और ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये क्या आएगी, यही क्वेश्चन है ना। PIJ है ना वही चीज है, यहां जो मैं लिखा था वो वही चीज है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी की पावर एन है ना, यही है पी हमारा टीपीएम है। तो उसमें क्या है एक एलिमेंट का हमें फाइंड करना है, दिस प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, ये ना जब आपका टू स्टेप जो हम बोल रहे थे टू स्टेप में पहुंचना है, टू स्टेप टीपीएम तो पी स्क्वायर से निकाल लो यहां से निकाल लो, दो तरीके से था। सो कैसे फाइंड करेंगे? तुम कह रहे हो जीरो होगा, हमेशा जीरो आएगा? नहीं सर, कंडीशन है हाँ 1/μIL का लिमिट, ये सब होगा और कुछ
तो देखो मैं अभी लिख देता हूँ मुझे क्या फाइंड करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली ये किसके इक्वल आएगी, ये इसका नोटेशन क्या है, इसका नोटेशन पाई से होता है एक्चुअली, यही लिमिटिंग प्रॉपर्टी है, पाई से की पावर एन, पाई से क्यों लिखना है। देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि द डिस्ट्रीब्यूशन पाई इज इक्वल टू पाई वन। अच्छा फिर से यहाँ स्टेट स्पेस में क्या है, तो मान लो स्टेट स्पेस में अभी मैं वन से एम तक लेता हूँ, देयर आर एम स्टेट्स, सो पाई वन पाई टू एंड सो ऑन पाई एम, ये तुम्हारे पास है, इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्कोव चेन एक्स एन। तो क्या डेफिनेशन होगा यहां पे, तो इसका मतलब एक्चुअली होता है, ऊपर लिख ही दिया मैंने, सो मीनिंग ये है। अब ये फाइंड कैसे करना है वो देखते हैं अभी, है ना। सो तो यहां पे जो आएगा, जो कोई भी पाई से एक ले लो उसमें से, जैसे पाई वन ही है, तो इसका मीनिंग है आपको फाइंड करना होगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी पी आई जे इन एन स्टेप, मतलब आई टू जे जाना है इन एन स्टेप। तो मेनली क्या होता है, ये इनिशियल स्टेट से इंडिपेंडेंट हो जाता है, जब आप एन टेंस टू इंफिनिटी लेते हो तो ये वहां मैटर नहीं करता इनिशियल स्टेट क्या था, मतलब आपने इनिशिएट कहां से किया था, तो आई से ये फ्री आता है एक्चुअली, है ना। तो ये जो पी आई से एन है लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो पाई से आएगी, वही पाई से मेरा लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। जे को वन रख दो तो पाई वन मिल गया, जे को टू रख दो पाई टू मिल गया, जे को थ्री रख दो पाई थ्री मिल गया, है ना। सो ये आ जाएगा फॉर ऑल जे, अब जे की वैल्यू जो भी रखना है यहां से आ जाएगा। और ये लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनिशियल स्टेट से फ्री होता है, तुम्हें कहां स्टार्ट किया उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है, जो मैं ये पूछ रहा था तुमसे क्या आएगा, है ना, तो यहां पे क्या होगा एक्चुअली, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, दिस विल बी लाइक, अगर ये एम है ना, तो क्या होगा यहां पे पाई वन पाई टू पाई एम, और ये भी आ जाएगा पाई वन पाई टू पाई एम, सेम चलता रहेगा पाई वन पाई टू पाई एम, ये मतलब है। तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो जो पी एन मैंने बोला पी ए ट्रांजिशन प्रॉबर्टी मैट्रिक्स है, वन स्टेप टीपीएम था, तो पी की पावर एन एन टेंस टू इंफिनिटी क्या आएगी, तो ये वो आएगी पाई वन, तो हर रो रो देखो सारे रो इक्वल है उसमें, फर्स्ट रो से हर रो इक्वल ही है, सो पाई वन से पाई एम तक आएगी। तो इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे मीनिंग यही है कि जो पी आई जे की पावर एन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी क्या आएगी, सो इसको हम पाई जे से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा अगर तुम फाइंड करना चाहो, तो अगर जो पिछला क्वेश्चन मैंने लिखा है अगर उसी में आपसे मैं पूछ लूं क्या फाइंड कर पाओगे, अगर मैं ये पूछ लूं आपसे कि क्वेश्चन है या थ्योरम है, है ना, फिर से चलो क्वेश्चन देख लो कि लेट पी बी द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, और जो दे रखा आपको सेम है, जैसे 1/3 2/3 1/4 2/3/4। अब आपको फाइंड करना है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी p की पावर n, ये p की पावर n मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ही है, सो ये क्या आएगी, ये पूछ रहा है आपसे, क्या फाइंड कर पाएंगे आप, ट्राई करके देखो जरा। तो ऐसे फाइंड करना कैजुअली बहुत डिफिकल्ट है, नहीं? हाँ बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। सर मतलब अगर कोई सीरीज टाइप बने तो एन में डाल भी दे कुछ बनने के लिए। हाँ
अच्छा अगर तुम तुम्हें बता दूं कि पी की पावर इनका इंडक्शन का फॉर्मूला बता दूं, जैसे चलो हम इसको थ्योरम लिखते हैं, तो जो यहाँ थ्योरम आएगा, जो पिछला थ्योरम लिखा था उस थ्योरम की बात करता हूँ फिर से। मेरा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स वही है, 1 - AA, B 1 - B। अगर तुमसे ये पूछा जाए तो मैं बता देता हूँ ऐसे क्या होगा। तो यहाँ पे तुम अगर ये फाइंड करोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इस p की पावर n, तो ये वही आएगी b अपॉन a प्लस b, a अपॉन a प्लस b, b अपॉन a प्लस b, a अपॉन a प्लस b। तो यहाँ इक्वल आ रहा है, तो एक वही रिजल्ट है कि हमें यही देखना है कि लिमिटिंग प्रॉपर्टी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल कब आती है, वही थ्योरम स्टडी करना है। कि ये जो आपने देखा था ये स्टेशनरी प्रॉपर्टी यही आई थी ना, तो यहाँ से अगर मैं पाई लिखता हूँ तो पाई तो यही आ जाएगी, तो यही पाई लिमिटिंग प्रॉपर्टी भी है और यही पाई आपका, मतलब अगर बात करूं मैं कि लाइक अगर मैं पाई वन लिखता हूँ यहाँ पे, पाई वन का मतलब हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और स्टेट स्पेस मान लो 1, 2 है अभी सपोज, तो पाई वन लिख रहा हूं, इसका मतलब हो गया p क्या i कॉमा 1 इन n स्टेप। ये फाइंड करोगे, मतलब स्टार्ट कहीं से करो, तुम तुम्हारा इनिशियल स्टेट 1 था या 2 था उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उससे फ्री आएगा। और ये जो वैल्यू आएगी तुम फाइंड करोगे, सो दैट विल बी b अपॉन a प्लस b। इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ कैसे आता है। सो और पाई 2 अगर फाइंड करोगे आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो मतलब पी आई 2 इन n स्टेप, i मतलब आपने कहीं से स्टार्ट किया हो, है ना। सो दिस प्रोबेबिलिटी जो आएगी a अपॉन a प्लस b आएगी। एक्चुअली मेनली क्या है ना, इंडक्शन में एक फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, pn को हम लिख सकते हैं बाकी के टर्म में, तो अगर वैसे बता दो तो उससे प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हालांकि ये 2/2 है, सो इस केस में सेम ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी जो पहले आंसर आपका आया था क्या आया था, 3/ ऐसा कुछ आया था ना, 8/11, तो यहाँ आएगा 3/11, 8/11, यहाँ पे सेम ही आएगा। ठीक है जी, इसका प्रूफ कैसे हुआ होगा, तो इसका प्रूफ का एक लॉजिक ये है कि पीएमआई में है ना, जैसे तुम्हारे पास अगर ये मान लो मेरे पास है, अगर p है 1 - A, B 1 - B, तो p की पावर n का एक फॉर्मूला है, तो वो यूज करके प्रूफ आता है अगर प्रूफ कोई देखेगा। तो इसका कुछ फॉर्मूला ऐसा है कि मैं अगर लिख देता हूँ 1 upon A + B, ये आता है, अच्छा इन्होंने इसके लिए लिखा है मतलब इन्होंने बना के एक्चुअल दे रखा है इसका ना, मतलब प्रूफ मैं देख रहा हूँ, तो जो प्रूफ है इसका वो इस तरह से बनाया है कि a है ना, वो प्रूफ थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि जिसने फर्स्ट टाइम प्रूफ किया ना उसको काफी सोचना पड़ा, जैसे तुम भी सोचोगे तो काफी तुम्हें टाइम लगेगा उसको प्रूफ करने में, लेकिन ये है ना ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो लोग है ना जैसे प्रूफ, जैसे फर्स्ट टाइम किसी ने प्रूफ किया फिर वो पब्लिश होती है, फिर दुनिया पढ़ती है ना, इस तरह से है। तो ये प्रूफ है, कंस्ट्रक्टिव है, तो ये इंडक्शन से ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ वो जनरेट कर किया जा सकता है और प्रूफ भी कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो ये फॉर्मूला है कि लाइक यहाँ पे जो दे रखा है इन्होंने कि BA, BA ये ऐसा आ जाएगा, प्लस ये तुम्हारे पास आएगा 1 - A - B इसकी पावर n अपॉन a प्लस बी, और यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगी b - A - 1 यहाँ थोड़ा गड़बड़ होता है, सो यहाँ जो है a - A और है -B, B ये। अब इस पे तुम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ क्या आएगी, तो ये देखो ये नंबर तो 1 से छोटा होगा ना, क्योंकि ए भी तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, सो ए भी अगर प्रोबेबिलिटीज है तो 1 से जाएगा, तो ये 0-1 के बीच का नंबर होगा, मतलब जो भी होगा है ना 1 से छोटा होगा, तो ये क्या आएगा टोटल आपके पास कितना आ सकता है, तो ये 0 n टेंस टू इनफिनिटी में 0 हो जाएगी, तो यहाँ तुम n टेंस टू इनफिनिटी लगाओगे, तो इसका ये प्रूफ का एक आइडिया है। सो ये आप प्रूफ करोगे तो ये सिंपली यही आ जाएगा, मैं बताया था b upon a plus b, a upon a plus b, इस तरह से है। और ये है ना, तो ये क्या है, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन 1 हो या 2 हो, तो एट द एंड
जो मैं बोलूं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग स्टेट वन, स्टार्ट कहीं से करो तुम, रीचिंग स्टेट वन इन n स्टेप एंड n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये हमारे पास आएगी, यही नंबर है, तो इनिशियल जो भी हो तो ये आ जाएगा b अपॉन a प्लस बी, और सेम तो इसी का नाम हमने पाई वन रखेंगे, मतलब लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट वन, ठीक है, और यहां आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पी आई टू एन, मतलब ये हो गया a अपॉन a प्लस बी आएगा एंड दिस इज पाई टू, ये ऐसा आएगा, लेकिन बाकी ऐसे कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट तुम्हें ये जानना है कि ये लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ लॉजिक क्या ये होता है क्या पाई इक्वल टू पाई पी और हम उसको ऐसे करके पाई क्या वैल्यू पाई पी स्क्वायर होगा फिर पाई पी क्यूब होगा फिर ऐसे करते करते पाई पी की पावर n होगा पाई इक्वल तुम वो भी सोच सकते हो उससे, हाँ पाई इज इक्वल टू पाई पी फिर पाई को रखा पाई पी इंटू पी है ना तो ये पाई पी स्क्वायर हो गया, वैसे कर करके वही चीज है, हाँ सो ये पाई पी इंटू पी स्क्वायर ये चलता जा रहा है तो पाई इंटू पी की पावर एन एंड सो ऑन, हाँ यहाँ समझ सकते हो इसीलिए उसका वैल्यू सेम, हाँ तो ये तो अब तुम्हें पूछा जा रहा है कि लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सॉल्यूशन हमें भी क्या मिला है, हमें मिला है जो हमने फाइंड किया तो जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन था पाई पी इज इक्वल टू पाई, उसे क्या मिल रहा है एक्चुअली सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही तो है, तो उसके पास या तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, जो अभी मैं स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं पाई पी इज इक्वल टू पाई, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही है ना क्योंकि पी था तुम्हारे पास पी आई जे, जो भी स्टेट है मान लो स्टेट स्पेस अगर 1 से m तक जैसे मैं लेके चल रहा हूं तो ये m क्रॉस m है और पाई तुम्हारे पास क्या है, सो पाई तुम्हारे पास है ना ये था पाई 1 पाई 2 और यहां से पाई m, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही तो है, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे ये कैसे डिसाइड करोगे, अच्छा अभी जो मैंने तुम्हें दिया था वो क्या था, जैसे मैं जो बना के दिया था टीपीएम वो क्या था, जैसे वो तो दे दिया 1/3 2/3 और यहाँ तुम्हारे पास है 1/4 3/4 था, तो ये तो सिंपली तुम्हारे पास जो स्टेट्स है वो कम्युनिकेटिंग थे ना, तो ये ए पीरियोडिक था ना ये, और इसके दोनों स्टेट जो है वो रिकरेंट है, मतलब ये इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है ना, So, ये इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है यहाँ पे और ये एपीरियोडिक है, तो इसलिए तुम्हारे पास यूनिक सॉल्यूशन आया है, अगर मैं ऐसा तुम्हें देता अगर यहाँ पे कि एक स्टेप में तुम नहीं आ सकता, इतना ट्राई करो इसका एक क्वेश्चन और लिखो, जैसे अगर मैं लिखता हूं कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है 0 1 1 0, अब यहां क्या लगता है क्या आएगी प्रोबेबिलिटी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, या मैं बात करूं तुमसे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो स्टेट स्पेस है मान लो 1 2 है यहां पे, सो व्हाट इज द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन करस्पोंडिंग टू दिस, और पाई हुई है पाई 1 पाई 2, सो फाइंड करो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/2 1/2 अब फाइंड करके देखो सॉल्व करके पाई पी इज इक्वल टू पाई करके देखो क्या आएगा, तो वहां से आ जाएगा अच्छा हाफ हाफ आएगा ना, ओके तो यहाँ सिंपली अगर आप पाई पी करोगे तो आ ही जाएगा ना, उससे आ जाएगा, सो जैसे पाई 1 पाई 2 और 0 1 1 0, ठीक है, सो ये सिंपली आपके पास पाई 1 पाई 2 है, यहाँ से अगर सॉल्व करें तो पाई 2 इज इक्वल टू पाई 1 फिर वही पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 और हमें पता है कि पाई 1 प्लस पाई 2 1 होती है, तो यहाँ सॉल्व ओके पाई 1 पाई 2 दोनों की वैल्यू हाफ आ गई, ठीक,
सो हाफ हाफ आ जाएगी। ठीक है मैं सर एक प्रॉपर्टी भी होती है, अगर कोलन सम में वन आ रहा है तो हाफ हाफ होगा। हां ये डब्ल्यू स्टोकास्टिक में ना, हां 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 वो आ जाएगा वो रिजल्ट। अभी मैं अच्छा अगर मैं ऐसा लिख देता 1010 तो जैसे इसका क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी ठीक है डब्ल्यू स्टोकास्टिक के लिए। हाँ ये बाद में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स ये होता तो इस केस में क्या आता, अच्छा यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे एक्चुअली जो हमने स्टेट बनाए 1 2 तो यहाँ 1 से 2 पे जा रहे हैं और 2 से 1 पे आ रहे हैं, तो ये भी एक्चुअली कम्युनिकेटिंग है एंड रिकरेंट है ना, तो मतलब इरिड्यूसिबल है एक्चुअली। पीरियड क्या है ईच स्टेट का, ओके 2 है, 2 स्टेट में आ सकते हैं, 4 में 6 में है ना, कितना होगा 1 होगा, कैसे 1 कैसे D1 भी 1 होगा, D2 कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ कैसे होगा, 1 से 2 में जाएगा 1 स्टेप में, 2 से 1 पे आएगा 2 स्टेप्स में, हाँ फिर 3 स्टेप, फिर उसके बाद 4 स्टेप्स में ना 2 होगा। हाँ वही तो तुम चेक नहीं करते हो ऐसे, 2 होगा पहले, हाँ हाँ सर 2 होगा, 2 से तो शुरू ही हो सकता है, हाँ D1 भी 2 होगा, D2 एक थ्योरम ये है कि अगर कोई ए पीरियोडिक है और इरिड्यूसिबल है तो क्या होता है उस केस में, जो स्टेशनरी डिस्क 1 बाय 1 बाय क्या था, 1 बाय म्यू आई आई या 1 बाय एन टाइप आ जाएगा, ए पीरियोडिक रिकरेंट और इरिड्यूसिबल हो तो, हां ए पीरियोडिक तो अगर इरिड्यूसिबल है तो क्या होगा, इरिड्यूसिबल का क्या मतलब होता है, तो सारे रिकरेंट होंगे ही ना, क्योंकि इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन में जो भी स्टेट्स हैं वो सारे रिकरेंट ही होंगे, क्योंकि वो सारे कम्युनिकेटिंग हैं, तो कम्युनिकेटिंग है तो रिकरेंट ही होंगे, तो इरिड्यूसिबल एंड एपीरियोडिक है तो उस केस में क्या होता है, तो ये एक रिजल्ट है कि ठीक है थ्योरम लिख देता हूं मैं। सो लाइक कि अगर आपके पास जो मार्कोव चेन है, इफ मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल एंड अपीरियोडिक तो क्या होगा, देन स्टेट स्पेस मैं फाइनाइट लेके चल रहा हूं, तो स्टेट स्पेस जो है वो एम है, जैसे फाइनाइट लेके चल रहा हूं, तो इरिड्यूसिबल एंड अपीरियोडिक है, तो उस केस में इसके पास जो सॉल्यूशन होगा वो फाइन यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, तो हमेशा ये जो आपके पास क्या होगा यूनिक होगा ना, पाई बराबर पाई पी एंड साथ में यही रहेगा समेशन पाई जे जे फ्रॉम 1 to m 1, दिस हैज यूनिक, ये थ्योरम है जिसपे बेस पे क्वेश्चन आएगा, कई बार ऑप्शंस भी रहते हैं यही, so it has unique solution, तो मतलब जो stationary distribution है वो unique हो जाएगा, okay, दूसरा point ये है, second, वो जो बता रहा था mean recurrent time, तुम बता रहे थे, और in fact ये जो unique solution आएगा ना, मतलब अगर वो irreducible और aperiodic है, तो उस केस में जो limiting प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपका क्या होगा, सो उस केस में इनफैक्ट ये जो आपके पास मिल रहा है ना सॉल्यूशन जो आएगा पाई जे एंड दैट विल बी द लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी,
सो उस केस में जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी आएगी वो ये इसके इक्वल आएगी ना, पी आई जे एन ये इसको इक्वल आएगी। तो मतलब ये है, ये जो है दिस इज सॉल्यूशन टू, या मतलब इसमें जो सॉल्यूशन आएगा ना वो इस फॉर्म का, फॉर ऑल आई फॉर ऑल जे लिख लो। सो फॉर ऑल जे फ्रॉम 1 2 3 अप टू एम, तो ये जो आपके पास पाई वन पाई टू पाई जे आ रहा है यहाँ पे, सो यही लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी ही आएगी एक्चुअली। तो मतलब लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी और स्टेशनरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कौन साइड हो जाएगा इस केस में? हाँ इरिड्यूसिबल ना, एर्गोडिक का दूसरा नाम क्या है? हाँ इरिड्यूसिबल के लिए है, बाकी के लिए चेक करना पड़ेगा। तो ये जो लिमिटिंग दिस इज द, तो लिमिटिंग प्रॉपर्टी और स्टेशनरी प्रॉपर्टी इक्वल हो जाएगी इरिड्यूसिबल के लिए। एंड अगला ये है, एक और पॉइंट इसमें आता है, इस पे कई बार है ना पूछ लेते हैं आपसे, तीसरा पॉइंट जो है मेन रिकरेंट टाइम। सो व्हाट इज द मेन रिकरेंट टाइम टू ईच स्टेट? है ना मीन रिटर्न टाइम है ना, हाँ। सो मीन रिटर्न टाइम टू ईच स्टेट, सो मीन रिटर्न टाइम टू स्टेट मतलब जे हो गया, तो इसका नोटेशन है अभी मैं लिख देता हूं म्यू जे है ना। तो ये जो इक्वल आएगा यहाँ पे 1/2 पाई जे के आएगा, ये हुआ ना, ये फॉर्मूला है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। तो म्यूजे जो आएगा 1/2 पाई जे के इक्वल आएगा है ना, फॉर ऑल जे बिलोंग, जो भी होगा फॉर ऑल जे बिलोंग्स टू स्टेट स्पेस। एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो, अभी मैं 3x3 का लिखता हूं फिर तुम मुझे समझ आएगा क्या हो रहा है। सो एक क्वेश्चन जैसे 3x3 का टीपीएम अगर लिख दूं मैं, सो ये आपके पास है, देखा है 1/4 एंड 1/2, तो यहां से ये 1/4 है, 2 से जाने पे 2 से 3 पे जाने का 2/3, 2 से 1 और नहीं यहां पे एक मिनट क्या सही सम वन हो रहा है। सो 3 से 3 का 1/2 ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ऑप्शंस यहाँ पे हैं, देन पहला ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स है ठीक है ना। सो ये आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो मार्कोव चेन है दिस इज इरिड्यूसिबल, इस तरह के ऑप्शन है तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि दिस मार्कोव चेन इज अपेरियोडिक, तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फोर्थ पॉइंट है कि जो आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है दैट इज ये आपको पूछ रहा है कि वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई टू
दिस इज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन. इसको ट्राई करो, बताओ जरा क्या आंसर आएगा. ये होगा इररिड्यूसिबल. सर एक सेकंड, इररिड्यूसिबल कैसे हो रहा है? 2 3 से कम्युनिकेट कर रहा है, 3 2 से तो कर ही नहीं रहा, 3 1 से कर रहे हैं, 1 2 से. अच्छा वो घूम के चला जाएगा, इररिड्यूसिबल होगा. सही, इररिड्यूसिबल नहीं होगा. अच्छा हां, वो आप सही हो, आपने उसे मल्टीपल स्टेप्स में भी देख सकते हैं. कौन से सेपरेटिक्स है? सेपरेटिक है, ओके. तो अगर ये दोनों हो गया थ्योरम के हिसाब से ही, तीसरा रूट हो गया डायरेक्टली, ठीक है ना. थ्योरम कहता है इरेड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, तो ऑब्वियसली जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन वो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल ही होगा. तो थ्योरम कहता है, थ्योरम के हिसाब से. एंड अब बताओ लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगी. All non-observing. अच्छा
अगर नॉन एब्जॉर्बिंग इसका मतलब क्या होगा वो? सर आपने ऑब्जर्विंग लिख दिया। नहीं, अगर नॉन ऑब्जर्विंग स्टेट है मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। एब्जॉर्बिंग सर आपने आपने स्पेलिंग। अच्छा क्या लिख दिया मैंने? नहीं हाँ वो ठीक था, नीचे गलत लिख दिया। अच्छा यहाँ गलत लिख दिया, ऑब्जर्विंग वो लिख दिया। हाँ वही बोल रहा हूँ, ऑब्जर्विंग। बताओ आगे। सो इसका कुछ रिजल्ट है अगर ऑब्जर्विंग नहीं है तो? जैसे कोई मार्कोजन कोई स्टेट ऑब्जर्विंग नहीं है, लेकिन अगर उस मार्कोजन में कोई ऑब्जर्विंग स्टेट अगर है तो उस केस में जो नॉन ऑब्जर्विंग होगी वो क्या होगा? ट्रांजिएंट ही होगा ना, क्योंकि वहां से निकल के फिर वापस तो आएगा नहीं। हो सकता है नहीं, अगर किसी मार्कोजन में अगर अच्छा वो डिपेंड करता है कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं उसमें ना। क्योंकि मान लो अगर सिंगल सिंगल है तो, लेकिन रिकरेंट होने के लिए रिटर्निंग। अच्छा ठीक है, तो इसका कोई स्टोरी डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। तो अभी ये ठीक है क्योंकि उसमें डिपेंड करता है अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जाके ऑब्जर्व करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो, या अगर एक्सेसिबल होगा जो ऑब्जर्विंग है तब जाके ट्रांजिएंट बनेगा, है ना। ओके तो ठीक है, तो इसका आंसर बताओ, इसका फाइंड करो, स्ट्रेस रेडी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। तो वही पाईपी बराबर पाई कर दो, सॉल्व कर दो, हो जाएगा। पाईपी बराबर पाई करो, सिंप्लीफाई करो इसको। 3/8 अच्छा, तो 3/8 अच्छा पहला 3/8 है, 3/8 अच्छा ठीक है, 7/16 बाकी लोग वेरीफाई कर दो। तो इजी है, आपको क्या करना है, पाई पी इज इक्वल टू पाई पुट करना है और समेशन पाई आई को आपको जस्ट जितने स्टेट है, यहाँ तीन है तो ये 1 रखना है, तो इसको आप सिंपली सॉल्व करके तो जस्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हो जाएगा ना, सबने कर लिया होगा। अच्छा वो जो आप बता रहे थे उसमें डब्ल्यू स्टैक डब्ल्यू स्टैक एस्टी कवर होगा मार्कोव चेन, तो उसमें क्या होगा कि मान लो इफ अ मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल अ पीरियोडिक एंड डब्ल्यू स्टोकास्टिक, है ना। तो इसमें ये था रो सम कॉलम सम, जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स दोनों 1 हो जाएगी स्टोकेस्टिक। देन जो आपका लिमिटिंग प्रॉपर्टी है ना, देन जो क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी हाँ, उस केस में लिमिटिंग प्रॉपर्टी बोलो या फिर क्या बोलते हैं स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगी। सो जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा यहाँ स्टेट स्पेस क्या है, जैसे मान लो अगर स्टेट स्पेस में लेता हूं S1 से लेके M तक, अभी हम फाइनाइट की बात कर रहे हैं, तो 1 से लेके M तक, तो ये जो पाई होगी दैट इज पाई 1 पाई 2 पाई M, ये ईच किसके इक्वल होगा जो बता रहे थे ना, 1 बाई M, तो 1 बाई जितने स्टेट्स हैं, है ना, तो यहाँ m लिया हुआ है तो ईच विल बी 1/m 1/m और 1/m, यही ना। हाँ
ऐसा हो जाएगा, अगर ये डबल स्टोकास्टिक है और साथ में इरिड्यूसिबल और एपेरियोडिक है तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन और लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन यही आएगा। अच्छा कुछ क्वेश्चंस अभी देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, फिर हम ना बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, अच्छा आपको भैया का असाइनमेंट हमने भेजा था एक बारी, स्टोकेस्टिक प्रोसेस का असाइनमेंट ग्रुप में भेजा था ना, ये चेक कर लो या इसमें होगा ऑलरेडी। तो अगर इसमें आप जाएंगे तो अगर मैं यहाँ सर्च करूँ PYQ स्टोकेस्टिक, ये होगा है ना। अरे जरा ट्राई करते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए, उसको जरा ट्राई करते हैं गेट में स्पेशली कैसे क्वेश्चंस आए हैं। चलो जैसे यहां से अगर स्टार्ट करें, अच्छा ये तो बेसिक प्रॉपर्टी पूछ रहा है आपसे, चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि xn इज अ डिस्क्रीट टाइम अप्रोच इन विद स्टेट स्पेस 1 2 3 विद वन स्टेप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स दिस। आपको इनिशियल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनिशियली कहां पे था है ना, x0। So, time जब जीरो है, जब time जीरो है तो x नॉट इज 1 इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, x नॉट 2 इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, x नॉट 3। तो इनिशियली स्टेट 1 या स्टेट 2 या स्टेट 3 होने की प्रॉपर्टी दे रखी है। तो आपसे ये प्रॉपर्टी पूछ रहा है इनिशियली है ना, किसी भी स्टेट में हो सकती है। तो फर्स्ट मतलब एट टाइम 1 ये सेकेंड स्टेट में होगी, टाइम 2 पे थर्ड स्टेट में होगी और टाइम 3 पे फर्स्ट स्टेट में होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम लोग करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक उस पे चला गया कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पे कैसे फाइंड करोगे आप। ये सिंपल एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, समझ लो आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी टाइप का क्वेश्चन है एक्चुअली ये है, आप ट्राई करके देखो। कितना आया भाई? ट्राई करो तुम लोग। सर 0.006। अच्छा अच्छा आंसर तो मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या है। तो एक डेसिमल कम हो मतलब 0.06 ऐसा ही कुछ आ रहा है सर। वैसे ब्रेक कर लेंगे ना इसको कंडीशनल में पहले, फिर वो मार्को वाला वो रूल लगा लेंगे कि सिर्फ लास्ट वाली पे डिपेंड करेगा।
हाँ इसके कई तरीके हैं एक्चुअली, दो तीन तरीके से आप कर सकते हो इसको। सो आंसर 0.186 है शायद ना, 0.018 है। 0.086। हाँ 0.0186। चलिए ट्राई करते हैं। तो सिर्फ दो लोगों ने ट्राई किया, बाकी लोगों को बताओ भाई कर तो सब लोग लेंगे, तुम थोड़ा सा एफर्ट मारोगे सब लोग कर लेंगे, कुछ ज्यादा है नहीं। जैसे आपको जो ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी निकालनी है, बट यहाँ पे मार्कोव चेन है। प्रॉपर्टी क्या होती है मार्कोव चेन की, फ्यूचर डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट नॉट ऑन पास्ट, तो वो चीजें हैं। तो जैसे X3 है, तो X3 बस X2 पे डिपेंड कर रहा है, X1 से मतलब नहीं है उसको। X2 जस्ट X1 पे डिपेंड कर रहा है, X0 से मतलब नहीं है उसको, लेकिन X1 X0 पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ ये है। सो वैसे ब्रेक करना है आपको। तो ये ज्वाइंट प्रॉबर्टी ही है बट विथ मार्कोव चेन प्रॉपर्टी आपको सॉल्व करना है। तो इसको दो तरीके से मैं करके दिखाता हूँ, तो किसी तरीके है तो सेम ही चीज, प्रेजेंटेशन अलग अलग है। आइए ट्राई करते हैं, देखिए। तो यहां ऐसा है कि जरा समझो, आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि पहले स्टेप में, मतलब पहले टाइम पे, टाइम वन पे है ना, इनिशियली टाइम जीरो था, जब जब टाइम वन है मतलब नेक्स्ट स्टेप में। तो यहां एक्चुअली मुझे ये नहीं पता, इसको मैं ऐसा तो लिख सकता हूं, लेकिन एक्स वन विल डिपेंड ऑन एक्स नॉट, और मुझे पता नहीं क्या है। तो एक तरीके से मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो, चूंकि एक्स वन विल डिपेंड ऑन एक्स नॉट, क्योंकि एक्स वन जो है वो एक्स नॉट पे डिपेंड करेगा, उसके जस्ट पीछे वाले पे है ना, फ्यूचर डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट। तो अगर एक्स वन फ्यूचर इसका प्रेजेंट एक्स नॉट है, तो यहां पे एक तरीका ये मैं सोच सकता हूं कि या मैं ऐसे सोचूं कि समेशन एक्स नॉट बराबर के कर दूं, एंड एक्स ये टोटल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, आप देखेंगे आप, तो एक्स वन बराबर टू, एक्स टू बराबर थ्री, एक्स थ्री बराबर वन। एक तो ये तरीका समझ आता है मुझे कि के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन से लेके थ्री तक, या तो इनिशियली वन पे था या टू पे या थ्री पे। तो इस चीज को ऐसा लिख सकते ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं लिखता हूं कि कोई टोटल प्रॉबर्टी याद कीजिए, ई वन है, ई टू है और ये ए है, तो ए की प्रॉबर्टी मुझे चाहिए, ये ए है मुझे, तो आई कैन राइट इट ई वन इंटरसेक्शन ए प्लस ई टू इंटरसेक्शन ए। सेम चीज यहां पे है, तो यहां थ्री पार्टीशन है, वन टू थ्री, तो एक्स नॉट बराबर वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, तो इंटरसेक्शन ले लिया तीन बार, तो ये बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, ठीक है। देखिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो ई वन इंटरसेक्शन ए प्लस ई टू इंटरसेक्शन ए प्लस ई थ्री इंटरसेक्शन ए, एक ये तरीका है। आप अगर इसको सोचो क्या होगा ये, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं के फ्रॉम वन टू थ्री, यही ना, तो यहां से क्या हो सकता है, इससे आसान तरीका भी है एक, है ना, डायरेक्टली वो आप देखो इनिशियली कहाँ पे था, वैसे भी कर सकते हैं आप। इसका क्या मतलब है कि प्रॉबर्टी कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग, चलो लिख लो, प्रॉबर्टी एक्स नॉट इज इक्वल टू के इनटू प्रॉबर्टी एक्स वन इज इक्वल टू टू। देखो यहां मैं यूज कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट, एक तो मैंने ये बताया कि एक बार मैंने यूज किया प्रॉबर्टी ऑफ ए बराबर समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए, ये हम लिख सकते हैं कब, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, इसी से आगे अगला स्टेप में ये टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाता है, आई फ्रॉम वन टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इनटू ए गिवन ई आई, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाली। तो यहाँ पे ये होता है ई आई पार्टीशन बनाने चाहिए, एक तो मैं ये यूज कर रहा हूँ, दूसरा सेकेंड आप लोग जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबर्टी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रॉबर्टी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। सो इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, एक ये आप यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट कि प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब चार है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम ए बी सी डी कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक्स वन विल डिपेंड ऑन एक्स नॉट बराबर के, प्रोबेबिलिटी एक्स टू बराबर थ्री। अब यहां मुझे लिखना पड़ेगा एक्स वन भी और एक्स नॉट भी, एक्स वन टू पे एक्स नॉट के पे, बट ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मार्कोव चेन की जैसे एक्स टू विल ओनली डिपेंड ऑन एक्स वन नॉट एक्स नॉट, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। अब ये मार्कोव चेन प्रॉपर्टी से लिख रहा हूं, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन वो जस्ट उसके पीछे वाले पे डिपेंड करेगा, सी जस्ट बी पे डिपेंड करेगा नॉट ए, तो यहां ऐसा हो जाएगा। और इनटू में इनटू प्रोबेबिलिटी एक्स थ्री बराबर वन गिवन एक्स टू बराबर थ्री। अब यहां मुझे लिखना पड़ता एक्स वन बराबर टू या एक्स नॉट बराबर के, ऐसा लिखना पड़ता मुझे प्रोबेबिलिटी में, बट ये मार्कोव चेन है तो एक्स थ्री जस्ट डिपेंड ऑन एक्स टू नॉट दिस। तो मार्कोव चेन के डेफिनेशन पे ये क्वेश्चन है, तो यहां से ये आ गया। अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं आप, क्या करना है, एक बार के को वन रखो, फिर एक बार के को टू, एक बार के को थ्री, एक बार बस हो गया, तीन टर्म यहां पे आएंगे। इसमें तो के का कोई इफेक्ट है नहीं, तो ये बाहर रहेगा, मेनली इसी पे है, ठीक है जी। तो एक तरीके इस तरह सोच सकते हो, दूसरा तरीका ये है, हालांकि ये कुछ और नहीं, ये तो बस वही है ना कि देखिए, तो यहां से क्या होगा, आप एक बार के की जगह वन रखो, तो K1 है तो इनिशियली 1 पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, तो 0.5। अब जब इनिशियली 1 पे थी तो अगले स्टेप में 2 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 पे थी 2 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.3। ये अभी मैं इस समेशन को खोल रहा हूँ, बाकी इसको अभी साथ में खोल रहा हूँ, ये तो प्रोडक्ट है बाहर रहेगा, तभी बस मैं इस समेशन, क्योंकि K तो इसी पे है ना, इधर तो K है ही नहीं, तो कोई जरूरत नहीं K इस पे लगाने की, तो मैं उस समेशन को खोल रहा हूँ। प्लस अब k बराबर 1 रखा, k 1 हो गया, 2 रखते हैं, तो इनिशियली 2 पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, और अगर इनिशियली 2 पे था तो 2 से 2 पे जाने की नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 से 2 में जाने की 0.2 है। अब अगला k को 3 रखेंगे, तो इनिशियली थर्ड स्टेप में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इनिशियली थर्ड स्टेप में होने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा इनिशियली थर्ड में 0.3, और अगर ये 0.3 स्टेट में है, इनिशियली थर्ड स्टेट में है, तो नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड स्टेट में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो थर्ड से सेकेंड में जाने की 0.4 है। सो ये तो आ गया आपका ये वाली चीज, और ये आप देखेंगे ये कुछ और नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हुआ है, ये हुआ ना, आप चेक कीजिए 0.5 0.3 से, 0.2 0.2 से और 0.3 इससे, मतलब इनटू, तो ये तो हो गया ये वाली टर्म, समेशन खोल दिया, और ये कॉमन था, ये बाहर निकाल सकते हो आप। तो ये हमारे पास क्या है, 2 से 3, तो 2 से 3 में आना है, सो 2 से 3 में 0.3 हो गया, एंड फिर यहां 3 से 1 में जाना है, तो 3 से 1 के लिए 0.2 हो गया। सो फाइनल देख लो यही आएगा, एक बार मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, तो अराउंड 0.0186 आता है, जो 0.18 आता है, देख लो। एक तरीका ये हमारे पास है, दूसरा क्या है, वही दूसरा यही चीज है कि ये लिखने के बजाय मैं यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता, इसी चीज को मैं, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता था मुझे, तो मैं क्या करता कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे 1 पे जाना है, ठीक है भाई, किसी को डाउट है इसमें पूछो, अगर डाउट है किसी को, कंफ्यूजन हो रहा था पूछो। दूसरा तरीका ये था कि मैं इसी को ऐसा लिखता कि लाइक इनिशियली, जैसे इसको अगर समझ आ गया तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो इस ऐसा सोचता कि इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी है 0.5 0.2 0.3, मतलब इनिशियली या तो स्टेट 1 में होगी या 2 में या 3 में, तो कहीं से भी स्टार्ट कर रही है, मुझे पहुंचना कहां है स्टेट नेक्स्ट टाइम, कहां पहुंचना है यहाँ पे स्टेट 2 में, जो नेक्स्ट स्टेप में मुझे पहुंचना है स्टेट 2 में, मतलब टाइम 1 पे स्टेट 2 में है, तो नेक्स्ट स्टेट 2 में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये पता है क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये जो मैं निकाल रहा हूँ 0.3 0.2 0.4, तो ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी है किसी भी स्टेट में होने की, और ये अगर स्टेट 1 में थी तो 1 से 2 में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, अगर 2 में थी तो 2 से 2 में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, 3 में थी तो 3 से 3 में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, जो यहां लिखा था मैंने यही चीज यहां किया है, कुछ और नहीं है। तो ये तो आ गया कि इनिशियल स्टेप, स्टेट
स्टेट टू में आने की प्रायोरिटी है ना नेक्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में स्टेट थ्री पे जाना है, तो अब कहां है टू से थ्री पे जाना है उसको, स्टेट टू से स्टेट थ्री में जाना है, ठीक है ना। जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यहां रेंज है रैंडम वेरिएबल का, वो स्टेट स्पेस है या वो स्टेट है एक्चुअली। तो आपको क्या करना है, सो नेक्स्ट देख लो टू से थ्री में जाने की, सो टू से थ्री में जाने की 0.3 प्रोबेबिलिटी है, जैसे एक नंबर आएगा, और थ्री से वन में जाना है, सो थ्री से वन में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। अब ये भी कैलकुलेट करेंगे सेम ही नंबर, कुछ अलग नहीं आएगा, जो मैंने यहाँ किया है आएगा वही चीज, आप देख लीजिए वो वही रहा है, यहाँ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही हुआ है यहाँ पे, बाकी कॉमन है, ये भी वही आएगा 0.018। ठीक है भाई, देख लो बाकी लोग कुछ पूछना है तो पूछो। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स यूज करके आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा आया है। सो अरे यार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कंसीडर अ डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन ऑन स्टेट स्पेस 1 2 3 विथ वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिस एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब पूछा ये रिकरेंट और ट्रांजिएंट पे, तो इजीली कर लेंगे आप लोग, देखिए बताइए। मैंने क्लास में भी लिखा था ये क्वेश्चन, ऐसा याद आ रहा है, देखो। चलो डिसाइड करके बताइए क्विकली कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना सब लोगों को। हाँ बताओ सर, पहला तो सही लग रहा है। हाँ पहले इसका वो बना लो, चाहो तो आप ट्रांजिशन डायग्राम बना लो, ट्रांजिशन डायग्राम बना के इजीली देख सकते हो आप, एक बार डायग्राम बना लो और चेक करो क्या आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, श्योर हो गया, मैं आगे बढ़ूं भाई, देख लो तुम लोग। हाँ तो बस आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्व करने जो होते हैं ना मुझे, देखो तो किसी को लगता है सॉल्व करना तो बता दो भाई, ठीक है अदरवाइज है ना आप लोगों ने कर दिया तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछ रहा है ये लिमिटिंग प्रॉबिलिटी निकालनी है, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा है इसका, तो निकालिए इसका लिमिटिंग प्रॉबिलिटी क्या होगी। सो ये कंसीडर डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन, ये आपके पास है 2x2 का, तो ये कुछ ऐसा है ना, क्या लिखते थे हम इसको, आप कैलकुलेट करके बताओ क्विकली। तो 1 माइनस ए ए बी, 1 माइनस बी, तो इसका आंसर होता था बी अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी। यस सर, वही 3/11 और 8/11, ये आपने ऐसे ही तो पूछा था। अच्छा ऐसे कुछ ही पूछा था, तो ए ही आ गया ना। अच्छा ये था ना, जैसे पीएन नहीं है तो जस्ट पाई था, तो यही चीजें रिपीट होंगी है ना, यहाँ पी है क्योंकि पाई ही पूछा है, मतलब पाई पूछेगा तो वो आएगा, पर पी है तो ये 2x2 में तो आएगा वही बी अपॉन ए प्लस बी, बी ए अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी, ये चीज है। लेकिन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री होता है लिमिटिंग, तो सेम ही आएगा। ओके तो काफी बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ देखो तो यही, अभी देखते हैं अभी आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सब टॉपिक है जो बच्चा पढ़ा है वो कर लेगा, हालांकि तो इजी टॉपिक है ना ये, तो तुम्हें बस क्योंकि
अगर तुमने पढ़ा है ठीक से तो इजीली कर लोगे, कुछ खास है नहीं, इतना ही मुश्किल नहीं पूछ रहा ना। बताओ ये कह रहा है कि कंसीडर डिस्क्रीट टाइम मार्को चेन ऑन स्टेट पेज 1 2 3 विद वन स्टेप टीपीएम। तो बताओ पीरियड ऑफ द मार्को चेन, तो मार्को चेन का पीरियड बताओ। तो पहले ईच स्टेट का पीरियड निकाल लो और उसके बाद डिसाइड करो। अच्छा ठीक है भाई, देख लो सब लोग। सो 1 2 3 है ना, तो 1 से 2 में जा सकते हैं, 1 से 3 में जा सकते हैं, 2 से 1 में आ सकते हैं। हाँ बोलो सर, जैसे 2 3 4 ऐसे आएगा तो जीसीडी 1 आएगा ना उसका फिर। हाँ 1 ही आएगा, कॉमन डिवाइस है तो 1 ही होगा। तो बनाना चाहिए ना आंसर, तो हाँ हाँ तो ऐसा है तो बना तो जाएगा। से थ्री, थ्री से वन। चेक कर लो भाई सब लोग, क्योंकि कई बार ना अगर तुम नहीं पूछो तो बाकी लोग तो सवाल नहीं करो तो पता नहीं चलेगा सही बताया गलत बताया। सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन करो, 2 से 1 2 से 3 और 3 से 1 3 से 2 3 से 1 3 से 2। तो ये तो कम्युनिकेटिंग है ना, और ये रिकरेंट है, और ये मतलब ये इरिड्यूसिबल है। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं डी वन निकालूं तो जी सी डी ऑफ, तो जैसे अगर मुझे 1 पे आना है तो 1 से 1 2 4 6 8 चेक कर लेते हैं, रुको 3 भी आएगा, 1 आएगा, 3 भी आना है, आएगा ओके। अरे 3 आएगा, रुको देखते हैं। 1 से 2 है, फिर 2 से 1 आ गए तो ये 2 स्टेप में आ सकते हैं 1 पे, फिर 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 1 आ गए, 3 स्टेप में आ गए, फिर 1 से 2 गए, 2 से 1 आए, फिर 1 से 2 गए, फिर 2 से 1 आ गए, क्योंकि फिर तो ये अपडेटिंग हो जाएगा 1 होगा। हां तो वही तो, मैं एग्जाम में गलत कर दोगे तो मार्क्स थोड़ी मिलेगा, वहां थोड़ी कन्विंस करोगे कि नहीं नहीं मैं सही सोच रही थी वैसा है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको हर तरीके से, देखो ये यहाँ पे हम एफ आई आई नहीं देख रहे हैं, हम जस्ट पी आई आई देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। वो पी वाला था कि उससे पहले भी आप उस स्टेट को कितनी बार विजिट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। एफ आई आई में था कि यू कैन विजिट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां पहुंचना है वो उतने स्टेप में पहली बार पहुंचोगे ये। और हम लोग यहाँ पे पी आई आई देख रहे हैं कि आई से आई में कितने स्टेप में पहुंच रहे हैं, वो स्टेप देख लो, जो भी पॉसिबिलिटी है उसका जीसीडी ले लो या एच सी एफ ले लो। और चूंकि ये इरिड्यूसिबल है, मतलब कम्युनिकेटिंग है, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आई से कम्युनिकेटिंग स्टेट्स हैं दोनों का सेम पीरियड होगा, तो जो वन का आएगा वही सबका आएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो कम्युनिकेटिंग स्टेट का पीरियड सेम ही आएगा। तो जो ये वन आ गया तो सबका वन ही आएगा, डी वन डी टू डी थ्री तीनों का पीरियड वन ही आएगा, और इसीलिए इस मार्कोव चेन का भी पीरियड वन होगा। तो इसका आंसर वन है एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब ये सब मुश्किल थोड़ी है, तो ये तुम इसमें गलती करोगे एग्जाम में तो मार्क्स कटेंगे, ये है। नेक्स्ट देखो ये वाला पांचवा क्वेश्चन, ये सब सबका पीरियड सेम नहीं होता तो हाँ तो फिर वो डिफाइन नहीं होता, फिर वो ऐसा नहीं होता। मार्कोव चेन का पीरियड तभी पूछेगा जब हर स्टेट की इक्वल पीरियड आएगी, तो वही मार्कोव चेन की पीरियड है, डेफिनेशन है। अदरवाइज वो स्टेट, फिर उस केस में वो स्टेट की ही पूछेगा आपसे, पूरे मार्कोव चेन की नहीं पूछेगा। पॉइसन प्रोसेस का क्वेश्चन, पॉइसन प्रोसेस आपने कराया नहीं? अच्छा अभी नहीं कराया, अगले क्लास में ही होगा, अभी छोड़ दो इसको। हाँ। तो अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पॉइजन प्रोसेस छोड़ देते हैं। तो एंटी अभी पॉइजन प्रोसेस है, इसको हटा दो। देखो 19 में कितने क्वेश्चन मिल गए तुम्हें, ये 19 में 5 क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। सो 2019 के गेट में 5 क्वेश्चन थे, और 4 मार्कोव चेन के थे और 1 पॉइजन प्रोसेस के हैं, ठीक। अब 20 का स्टार्ट हुआ, अब देखते हैं 20 में टाइम है हमारे पास, टाइम भी खत्म हो गया, तो एक काम कर लो, हैं सर कर लो 20 का और कर लो बाकी हम खुद कर रहे हैं। तो ये पॉइजन प्रोसेस हटा, मतलब ये होमवर्क दे दूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट डिस्कस कर लेंगे ये है। तो कल जो 9 टू 11 होगी
कल 9-12 बार इसका डाउट डिस्कस कर लो जो स्टोकेस्टिक के हैं स्पेशली, है ना। हाँ तो मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ अभी, और ये आप लोग ट्राई करके आओ। जैसे ये वाला क्वेश्चन ये तो कर सकते हो इजीली। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन पूछा है x2 का, तो मतलब सेकेंड स्टेप की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी पहले, फिर उसका मेन निकालना होगा। जैसे वो इनिशियली वो 0 पे है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो दो ही स्टेट है यहाँ पे, तो इनिशियली वो 1 पे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाएगी। तो ये x0 का PMF है, तुम्हें किसका मेन निकालना है, x2 का। तो पहले आपको x2 का PMF निकालना होगा। तो x2 का PMF मतलब क्या, मतलब टाइम 2 पे। नहीं नहीं वो लिमिटिंग डिस्टरबेंस तुम कर सकते हो यहाँ पे ऐसे, लेकिन लिमिटिंग क्यों करना है यहाँ पे हमें। अरे वो कब होगा उसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा कंडीशन ना, हाँ कि वो इरेड्यूसिबल हो, एपीरियोडिक हो। और वहां पर वो भी था कि लाइक डबल स्टोकास्टिक वाला था ना, अच्छा पाई निकाल दो। नहीं वो डबल स्टोकास्टिक के लिए 1/m था, 1/2 था आने के लिए था, लेकिन यहाँ पे तो वो नहीं है। तो चेक कर लो, ये एक सिंपल काम कर सकते हो, x0 की प्रोबेबिलिटी है, x1 की निकाल लो, x1 की क्या आएगी, पाई को p से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब ये जो पाई नॉट है, यहाँ इसको बोलो पाई नॉट, पाई नॉट का मतलब इनिशियल प्रोबेबिलिटी। तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी को तुम ये निकालोगे ना, जैसे देखो मैं अगर बात करूं तुमसे, अभी जो हम पढ़ रहे थे तो इसकी तो जरूरत नहीं है, कोई नहीं आगे थ्योरी कुछ रह गया होगा तो देखेंगे। जैसे पाई जीरो का मतलब है कि अभी वो इनिशियल इज किस उस पे है, या पाई जीरो बात कर लो ठीक है। पाई वन की अगर मैं बात करूं, पाई वन का मतलब है स्टेट वन में, मतलब पाई जीरो उसका पीएमएफ ऑफ स्टेट जीरो, पीएमएफ ऑफ स्टेट वन। तो यहां से पीएमएफ ऑफ स्टेट टू कैसे निकालोगे इसको, तो ये तो दे ही रखा है पीएमएफ ऑफ स्टेट जीरो, तो दे ही रखा ना 1/3 और 2/3। और स्टेट वन क्या है, कैसे आएगी, तो ये जो आएगी एक्चुअली पाई से मल्टीप्लाई, हाँ पी से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, पाई नॉट इनटू पी आ जाएगी। तो ये जो नंबर आएगा, दो नंबर यहाँ पे आएंगे, ये पीएमएफ हो गया स्टेट वन की, एक्स वन की। तो ये प्रोबेबिलिटी एक्स नॉट की निकाल रहे हैं हम लोग, आई ये है पाई नॉट, ये बोलना चाह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी एक्स वन इज इक्वल टू आई ये निकाल रहे हैं। तो आई अलग अलग होगी स्टेट जो है, तो ये प्रोबेबिलिटी एक्स टू इज इक्वल टू आई। तो ये जो निकलेगा, ये तुम इसको पाई नॉट इनिशियली कहा था इनटू पी स्क्वायर, तो यहां से ये आ जाएगी। तो ये क्या है, ये पीएमएफ आ गया x2 का, x2 का पीएमएफ आ गया। अब इसी का मीन पूछ रहा है, यहां पे क्या है स्टेट तुम्हारा क्या था, डिपेंड करता है स्टेट क्या है ना। तो अच्छा यहां पे तुम्हारे पास स्टेट 01 था, 12 था, 3 बार क्यों किया, 01 है ना स्टेट, तो इसकी जरूरत नहीं है, है ना। हां ठीक है, उसको करके देखो क्या आएगा। तो यहां पे तो 01 है ठीक है ओके, हां तो ये आ जाएगा। अब इसके ये फाइंड कर लो, और इसका मीन नहीं आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है x2 इज इक्वल टू 0 पे होने का, और ये प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू 1 पे होने का। तो यहां से x2 का पीएमएफ आ जाएगा, फिर मीन नहीं आ जाएगा, ये इससे मीन निकाल लो, कोई ट्राई करके आना। तो ये मैं पीडीएफ भेज देता हूं अभी ये पीडीएफ आपको अभी मैं ग्रुप में भेज देता हूं, एंड आप ये ट्राई करके आओ, जो भी स्टोकेस्टिक के क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करके आओ कल 9-11 मार्कोव चेन के जो क्वेश्चन है, स्टोकेस्टिक के नहीं, जो भी मार्कोव चेन पे बेस्ड क्वेश्चन है वो ट्राई करके आओ, और जो रह बच जाएगा आपसे नहीं होगा कल डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे पॉइजन प्रोसेस, फिर जो भी आगे है वो देखेंगे। तो मैं इसको भी भेज देता हूँ ठीक है, अभी यहीं स्टॉप करते हैं, असाइनमेंट अभी ग्रुप में भेज देता हूँ, आप सॉल्व करके आओ इसको, ये है। चलो बाकी ट्राई करके देखते हैं ना, फिर और कुछ जरूरत पड़ेगी तो कल देखेंगे।